मित्रों, लोकतंत्र में जैसी जनता होती वैसे ही सरकार चुनकर रहती। योगी जी व मोदी जी ने या आरएसएस ने निस्वार्थ भाव से देश व समाज की सेवा की है, उनकी मार्केटिंग नहीं हो पाती। लो वोटिंग टर्नआउट के कारण मोदी जी घबरा गए और विरोधियों को बल मिला है। मोदी जी ने देश को जोड़ने का काम किया है, इसीलिए जो विश्व की ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि उनके हित जो हैं मोदी जी के कारण जो खराब हो रहे हैं, तो मोदी जी को रोकने के लिए वो हर वो तरीका अपना रहे हैं जिससे कि मोदी की वापसी ना हो पाए। अब हमको इतना जागरूक होना पड़ेगा कि मोदी जी ने जो एक स्वाभिमान क्रिएट किया है देशवासियों के लिए, वो स्वाभिमान हमारा आने वाले समय में बना रहे। अब इस देश की जनता को निर्णय करना है, हमको अपने स्वाभिमान के साथ रहना है या हमको जिस प्रकार से हम 1000 साल से दबे कुचले, हम इसकी बात हमारे सनातनी भाइयों की कमजोरी है कि वोट देने जाने का भी समय नहीं है 5 साल में एक बार। इसी वजह से मुझे लगता है वोटिंग टर्नआउट लो है। मुझे लगता है कि जो अल्पसंख्यक है उनका वोट बैंक सॉलिड है, उनकी वोटिंग परसेंटेज पूरी रहती। खैर, अब ये तो युद्ध है। योगी जी व मोदी जी ने या आरएसएस ने निस्वार्थ भाव से देश व समाज की सेवा की है, उनके हजारों कीर्तिमान है, हमारे सनातनी भाइयों को नहीं दिखाई देते। उनकी प्रॉपर मार्केटिंग जब भी करने की कोशिश की जाती है तो भ्रष्टाचारी हमारे सनातन भाई कुठाराघात करते हैं। 10 साल पहले केजरीवाल ईमानदारी की बातें करते थे, कहते थे कि उनका मंत्री यदि भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो उसको जेल भेजेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता जेल में हैं, एक नहीं अनेक शीर्ष नेता। हाल ही में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बेल मिली है। सभी भ्रष्टाचारी पार्टियों ने गले लगाकर उनका स्वागत किया है और कहा है कि न्यायालय की भी ये जीत है और लोकतंत्र की भी जीत है। सभी विरोधी पार्टी देश के खजाने को बढ़ चढ़कर लुटाने की चेष्टा कर रही हैं, अपीजमेंट कर रही हैं और भोले भाले जो जनता है उनको समझाने की कोशिश कर रही हैं कि मोदी जी डिक्टेटर हैं, 400 पार हो जाएगा तो जाने क्या अन्यर्थ हो जाएगा। अभी भी तो 400 पार हैं। केजरीवाल को भी बेल मिली और संजय सिंह को भी बेल मिली। जब विरोधी पार्टी जीत जाती हैं तो ईवीएम ठीक है, नहीं तो इलेक्शन कमिश्नर बिका हुआ है, ईडी सीबीआई के धमकाने की बात करते हैं। तो सर, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि इन परिस्थितियों में जब हमारे साथी लोग ही सोए हुए, अब सोए हुए शेर को कैसे जगाएं? वोटिंग टर्नआउट अगले 4 फेजेस में कैसे बढ़े? या इस वक्त का इंतजार किया जाए कि जो होता है देखा जाएगा? कुछ जोरदार शब्दों में अपनी बात कहिए, हो सकता है कि कुछ समझा सकें हमारे साथियों को, आप बोली वाली जनता को। जी सर, मैं सर जब छोटा था
मुझे एक चीज का ख्याल आया करता था कि मोहम्मद गोरी या जो आक्रांता थे उन्होंने इस देश पे कब्जा कैसे कर लिया। जी उस समय मेरी बाल बुद्धि में चीज समझ में नहीं आती थी कि जयचंद कैसे होते हैं। अब जब ये घटनाक्रम मैंने विगत 20-22 सालों से मैं इस पर लड़ रहा हूं, तब मुझे ये समझ में आता है कि ये इस देश में जो पराजय हुई है वो कभी विदेशी आक्रांताओं से नहीं हुई है। इस देश में हमेशा पराजय जो है वो देश के अंदर बैठे हुए जयचंदों से हुई है, जी और वो अपने निहित स्वार्थ के लिए जी वो देश का बड़े से बड़ा नुकसान कर सकते हैं। जी अब आए हम वोटिंग पैटर्न पे। माने जो एक तबका है वो ये सोचता है कि हम वोट देने अगर नहीं जाएंगे तो क्या होगा। ये इसका जवाब ये है, जब उनकी आने वाली पीढ़ियां, जैसे आजकल हमारे बहुत से नेता हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर साहब बनने वाले हैं फारूक अब्दुल्ला, वो खुद मानते हैं कि हमारे बाबा का नाम ये था या बाबा से उनसे पहले वालों का नाम ये था, तब उनकी समझ में आएगा कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां होंगी वो भी कहा करेंगी कि हमारे फादर या ग्रैंडफादर उनका नाम ये हुआ करता था। अभी एक किसी इस्लामिक उसका विचारधारा वाले व्यक्ति का मैं देख रहा था इंटरव्यू, उसने एक बहुत अच्छी बात कही थी मुसलमानों के लिए कि आप जरा सोचिए, आपके नामों में राजपूत या इस टाइप के बहुत से वर्ड लगे रहते हैं जो हिंदू धर्म से या हिंदू संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों के हैं, वो कहाँ से आ गए आपके। मूलतः उनका कहने का मतलब ये था कि वो कन्वर्टेड लोग हैं। तो ऐसे ही जब एक विचारधारा की लड़ाई चल रही है पूरे संसार में, और उसमें मुझे लगता है केवल एक देश यही बचा बचा है जो उस विचारधारा से पूरी तरीके से प्रभावित नहीं हुआ है। आंशिक रूप से प्रभावित तो हो गए हैं लेकिन पूरी तरीके से प्रभावित नहीं हुआ है। इसलिए जो भी सभी शक्तियां हैं वो अपने पूरे जोर से लगी हुई हैं कि किस प्रकार से हम उस विचारधारा को इस देश के ऊपर थोप दें। देखिए, मोदी और योगी ये केवल हमारे विचारधारा और उनके विचारधारा के बीच की दीवार हैं। ये हमको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इसीलिए उन विचारधारा वालों को जिनको ये लगता है कि हम 1947 में एक अपनी विचारधारा इस देश में थोप दोगे देंगे, तो उनको लगता है कि जिस विचारधारा पे हम छुपे तरीके से इतने सालों से काम कर रहे थे वो मोदी जी के आने से वो विचारधारा अब आम जनता तक पहुंच गई है और लोग समझ गए हैं। अब उस विचारधारा को कैसे हम समाप्त करें या हम अपनी विचारधारा को कैसे मजबूत करें, उसका केवल एक ही तरीका है कि हम वोटिंग वाले दिन निकल कर आए और हम उन सरकार के लिए वोट करें जिसने 500 साल से दबी हुई हमारी अस्मिता की रक्षा करते हुए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया, जिसके लिए लाखों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी, और उसके पश्चात न्यायालय के माध्यम से निर्माण हुआ और हमारी जो धार्मिक अस्मिता थी उसको पुनः जीवित किया है। अब अगर हम इस अवसर को चूक गए तो आने वाली पीढ़ियां संभवतः हमको माफ नहीं करेंगी। सर, मुझे ये कहना है कि हिंदुस्तान में 60-70 करोड़ वोटर्स होंगे शायद। वोटर को एज इंसेंटिव आप इतनी इतनी रेवड़ियाँ बांटते हैं, वोट डालने के लिए भी अगर रेवड़ी बांटी जाए
सभी को समान रूप से वही 500 रुपए देंगे, या किसी ने सुझाव दिया था कि साहब भंडारा लगा देना चाहिए और फ्री खाना मिलना चाहिए। अब भंडारा का सुझाव भी मुझे अच्छा लगता है, मगर अगर कैश का जमाना है और डिजिटल पैसा ट्रांसफर हो सकता है तो हर वोट देने वाले को 500 रुपये देने की बात। मगर हमें दिक्कत ये है कि जो सनातनी उच्च तबका है उसको 500 रुपये से मतलब नहीं है, वो तो बहुत आलसी है। वो कहते हैं यार 500 रुपये लेने के लिए भी वोट देने क्यों जाएं, वो जरूरत नहीं महसूस करता। और दूसरी समस्या हमें एक्चुअली मुसलमानों से इतनी नहीं है, उनकी जो साइकोलॉजी है वो कुछ हद तक समझी जा सकती है। हमारी समस्या जो है वो हमारे अपने सनातनी भाइयों से है जो देशहित की नहीं सोचते। और आपने जैसे बताया कि इतिहास में भी हमेशा जयचंद रहे हैं, अब जयचंद पैदा ही ना हो, जयचंदों को इस तरह की कड़ी सजाएं दी जाएं, तो ये जयचंद बहुत सारे तो सजा याफ्ता रहे हैं। पहले जब पता लग जाता था तो राजा जिंदा नहीं रहने देता था उनको, मगर वर्तमान में जो जयचंद हैं, पहले जयचंद कम होते थे मुझे लगता है, और जो जयचंद हुए कम होने के बावजूद भी उन्होंने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। वर्तमान में तो जयचंदों की संख्या इस देश में लाखों में है सर, हो सकता है करोड़ों में हो, उनको क्या सजा दी जा सकती है? इस पर चिंतन की आवश्यकता है। इंसेंटिव से काम नहीं चलेगा, दंडनीय अपराध माना जाना चाहिए। विदेशों में सर, ऑस्ट्रेलिया में आपको वोट ना देने की पेनल्टी देनी पड़ती, तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि गवर्नमेंट के खाते से कुछ नहीं निकला, ना 500 रुपए दिए, ना भंडारे का खाने का पैसा चुकता किया, आप 1,000 रुपए का दंड लगा दीजिए और उसकी लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से पेनल्टी लगाइए। जिसका इनकम टैक्स के हिसाब से या जो भी लेवल है, गरीबों को आप 500 रुपये का दंड दीजिए, नहीं वोट दें, अमीरों को 5,000 का दंड दें और मिडिल क्लास को 1,000 रुपये का दंड दें, इस तरह एक तो वोटिंग परसेंटेज बढ़नी चाहिए। दूसरा यह है कि जो लाखों की संख्या में जो एंटी नेशनल्स हैं, जो ये देखना ही नहीं चाहते हैं कि कौन अच्छा कौन बुरा। अब केजरीवाल 12 साल पहले क्या कहते थे, यही तो कहते थे कि साहब मैं तो छोटी गाड़ी से चलूंगा, मैं शीश महल में नहीं रहूंगा, और वो ही कहते थे कि जितनी भी ये पार्टियां हैं, बीजेपी का तो नाम नहीं ले पाते थे वो, तब भी सब भ्रष्ट हैं और मैं ही सबसे बड़ा ईमानदार हूँ। आज की तारीख में उन्होंने जो भ्रष्टम पार्टियां हैं सभी, उनको गले लगा लिया और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। तो चिंतन तो इस बात पे कुछ करें और सर सुझाव दें जिससे कि सर, जी सर। एक मिनट। केजरीवाल की पहली स्पीच फरखाबाद जिले में हुई थी। जी मैंने वो स्पीच इसकी अटेंड की थी और मैं बहुत शुरू से कह रहा हूं कि केजरीवाल जो था वो एक प्लांटेड व्यक्ति है। जो किसने प्लांट किया इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जब केजरीवाल का उदय हुआ था उस समय कांग्रेस चारों तरफ से भ्रष्टाचार में घिरी हुई थी और कांग्रेस को अपने नाम पर वोट नहीं मिल सकता था। बहुत सारे घोटाले हुए थे, 2G 3G 5G जाने क्या क्या हुआ था। उनको एक ऐसा व्यक्ति था चाहिए था जो कांग्रेस के नाम पर ना हो लेकिन वो एक ईमानदारी के नाम पर आए, क्योंकि हमारे देश की जनता जो है वो भावनाओं में बह जाती है। उसने सारे जो
जो अपने स्टेटमेंट दिए थे वो कहा था कि साहब जो आदर्श नेता होता है वो सारी बातें बताई थी, मैं उस पर चलूंगा, और पब्लिक जो है उसके प्रति दीवानी हो गई, क्योंकि उस समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, कांग्रेस की सरकार से लोग परेशान हो चुके थे, उनको लगा कि एक हमें अल्टरनेट नेता मिल गया है, और पब्लिक ने अपने हर प्रकार से उनको सहायता की है। लेकिन मैं उस समय से ही कह रहा था, आज से लगभग 10-12 साल पहले से, कि इस व्यक्ति की इंटीग्रिटी जो है मुझे डाउटफुल लगती है। अच्छा, अब आप जरा इस पर आइए कि इसने, अगर आपको याद हो, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाड्रा के खिलाफ जी, क्या आप सोच सकते हैं कि देश का कोई व्यक्ति बाड्रा के खिलाफ बोले और वो इतने साल तक सुरक्षित रहे? आपको याद हो, जैल सिंह ने, माधव सिंधिया ने, राजेश पायलट ने केवल कुछ स्टेटमेंट दिए थे और उसके कुछ दिनों के अंदर वो इस दुनिया से विदा हो गए थे। जी तो एक प्लान के तहत इसको प्लांट किया गया था, और अब जब केजरीवाल को बेल मिल गई है, तो मैं, चूंकि एक ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई जिसमें मैं कभी बाद में डिस्कशन करूंगा, बहुत पहले से लड़ा हूं, 97 से लड़ा हूं, अब मुझे कहने में किसी प्रकार का कोई शक नहीं है कि बहुत पहले पीएमओ ऑफिस में एक सेक्रेटरी हुआ करते, पीसी अलेक्जेंडर, जी उनके सेक्रेटरी का जो पीए था वो सीआईए का एजेंट पाया गया था, उसको शायद सजा भी हुई थी। जी अब हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि देश की हर संस्था में सीआईए के एजेंट बैठ चुके हैं, और वो एजेंट भारत सरकार के ऊपर भारी बैठ रहे हैं। ये देश उनके इशारे पर चल रहा है, जिसमें इतने पुख्ता सबूत होने के बाद भी एक व्यक्ति जेल से बाहर आ जाता है। अब हमको सोचना पड़ेगा कि माननीय न्यायालय का जो कंटेंप्ट ऑफ द कोर्ट का जो स्टैंड होता है, क्या न्यायालय इस बात का इंतजार कर रहा है कि इस देश की जनता सड़क पर उतर आए? जब एक आम आदमी के केसेस की सुनवाई 50 साल तक पड़ी रहती है लोअर कोर्ट में, और एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की निगाह में इतना महान हो जाता है कि जिसने अपने डिमांड लेटर, अपने रिक्वेस्ट में नहीं डाला था जमानत के लिए, और सुप्रीम कोर्ट उस पर इतना मेहमान हो गया कि अपने मन से ही उसको इंटरिम बेल दे दी, तो सोचना तो पड़ेगा बहुत सारा कि ऐसा कहीं है, ना कहीं। ये जो बिंदु है थोड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है, मुझे तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं देख रहा था कि बड़े बड़े 20 वकीलों की फौज केजरीवाल के पक्ष में लगी हुई थी, और एक वकील की फीस कितनी होती है आप समझ सकते हैं। सर इसको तो खैर जाने दीजिए, ये जो बिंदु है न्यायालय और न्याय विभाग तय करेगा, और अभी तो हमें इस बात पे फोकस करना है कि इस संकट की घड़ी में सर इसलिए कह रहा हूँ कि 4 चरण बाकी हैं, और मोदी जी भी घबराए हुए हैं। मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ट्रैक अपना बदलें। जब वो अपनी अच्छाइयों के बारे में बताते हैं ना, मैंने ये किया, हजारों काम बताए, तो जनता मंत्रमुग्ध हो जाती है, और उसे फिर कोई अच्छा नहीं दिखाई देता है। और इन्होंने कुछ करके दिखाया है, अच्छे आदमी को निश्चित रूप से दूसरे की बुराई बखान करने की बजाय अपनी बड़ाई करनी चाहिए, और अगर गलत आदमी तो मुंह से भी गंदा होता है, आचरण से भी गंदा होता है, और व्यवहार से भी गंदा होता है, वो कुछ भी कहता रहे, उसकी बात को सॉफ्टली काटा जाए
वो तरीका है, क्योंकि जो विरोधी पक्ष है उनके अचीवमेंट तो कोई है ही नहीं, कोई ईमानदारी के मापदंड भी नहीं है। जब तक कोई नेता भ्रष्टाचारी, तो सभी विरोधी पक्ष के ही परिवारवादी नेता हैं, मगर जब तक वो विरोध में रहती हैं, जब तक वो इंडी गठबंधन में रहती हैं, तब तक वो नेता ईमानदार है। और जैसे ही वो नेता देशभक्त की भावना से, या अपने हृदय परिवर्तन की भावना से, या पश्चाताप की भावना से भाजपा को ज्वाइन करता है, तो इन इन कहना ही चाहिए नालायक भ्रष्टाचारी नेताओं को सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उसी आदमी में दिखाई देता है जो कि उनके साथ था और चला गया गंगा नहाने, क्योंकि वो शुद्ध होना चाहता था। तो सर, इस बारे में थोड़ा सा बताएं, कोई तरीका तो बताना पड़ेगा आपको। देखिए सर, सत्ता के लिए साम दाम दंड भेद चारों प्रकार अपनाने पड़ते हैं। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ चूंकि जनतांत्रिक सिस्टम है जिसमें हर व्यक्ति अपने तरीके से सोचता है। अब जो वोटिंग होती है उसका आधार क्षेत्रवाद जातिवाद भी होता है। जो मुद्दे जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं वो अगर आप कभी ग्रामीण क्षेत्र में जाएं तो उनके लिए वो मुद्दे गौण होते हैं। उनके लिए जो नेता वहां का है वो उसको उसके पीछे चलते हैं कि हमारा नेता जो है वो किसके साथ है। मोदी जी का जो उद्देश्य था कि हमको 400 से ज्यादा सीटें लानी है, तो इसलिए हो सकता है कि उन नेताओं को जो दूसरे पार्टी में थे और कुछ टेंटेड भी हो सकते हैं, जिनमें थोड़ा सा डेंट भी हो सकता है, अगर वो जीत के लिए उनको अपने से मिला लेते हैं तो हमारे हिसाब से इसमें कोई भी बुराई नहीं है। क्योंकि तो जब तक सत्ता है तभी तक आप कुछ कर सकते हैं, अगर सत्ता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो सर ठीक आप कह रहे हैं, मगर हम तो सिर्फ प्योरिफिकेशन चाहते हैं अपने सनातनी। वो उनको सही ट्रैक पे कैसे लाया जाए ये असंभव लगता है, क्योंकि हर व्यवस्था में, हर काल में कुछ इनकम्पिटेंट और लालची लोभी इंसान जन्म लेते हैं, और हमेशा से ये चेष्टा रही है कि ऐसे बेईमान लोग सत्ता सुख भी चाहते हैं, तो सत्ता सुख पाने के लिए कुछ जयचंद बनते हैं, कुछ मीर जाफर बनते हैं। अब मेजोरिटी निश्चित रूप से 80% जो सनातनी है, निश्चित रूप से वो वासुदेव कुटुंबम की बात करते हैं, वो पूरी आस्था रखते हैं ईमानदारी में और अच्छी व्यवस्था में, मगर वो 80% में 20% या 25% जब सो जाते हैं, तो सत्ता ऐसी पार्टी को मिल जाती है जो देश का भला ना करके अपनी पॉकेट भरने में लग जाती है। अब ये डेमोक्रेसी का ये सबसे बड़ा अभिशाप है कि अब यूएसए में भी देखिए, जो श्रेष्ठतम है देश में वो तो नेतागिरी कर नहीं पाता है सर, और क्या अमेरिका में एक से एक टैलेंटेड आदमी पड़ा हुआ है। पहली बार मैंने देखा कि इंग्लैंड में इतने टैलेंटेड आदमी को उन्होंने, जो कि वहाँ का मूल निवासी भी नहीं था, भारतीय था, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया।
मगर आप ये भी तो देख रहे हैं कि इंग्लैंड का मेयर कौन बना। इंग्लैंड का मेयर उसी इस्लाम को मानने वाला जो विघटनकारी तत्वों को समर्थन दे सकते हैं, उसी कौम का व्यक्ति अगर इंग्लैंड में भी बन सकता है तो एक दिन भारत में भी बनेगा निश्चित रूप से। और अभी आप देखते हैं, मैं तमाम वीडियो देखता हूँ, जो नेतृत्व है इस्लाम का वो मरने काटने की बात करता है। वो कहता है हम एक हिंदू को भी नहीं छोड़ेंगे। हम ये समझते हैं कि सनातन धर्म की विशेषता ये रही है कि उन्होंने कभी महाकाट की बात नहीं की। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम बौद्ध धर्म वालों को नहीं जिंदा रखेंगे, या सिद्ध को सिख के अगेंस्ट में हो जाएंगे, या ईसाई के अगेंस्ट में हो जाएंगे, या इस्लाम के अगेंस्ट में हो जाएंगे। ये जो सनातन धर्म है इसीलिए श्रेष्ठ माना जाता है। अब दुनिया में भी इसका जयकारा बोला जा सकता है यदि मोदी जी जीत जाए, मगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से, जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि 2004 से 24 तक चाइना कहाँ का कहाँ पहुंच गया, और हिंदुस्तान को अगर 2024 से 2047 तक आप पुनः गड्ढे में गिराना चाहते हैं, पुनः पाकिस्तान जैसा कंट्री या बांग्लादेश जैसा कंट्री या श्रीलंका जैसी इकोनॉमी लाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लोग ना जाके और क्या कहा जा सकता। सर आप बोलें। सर ये सर बहुत ही एक इस समय कठिन प्रश्न है कि हमको व्यवस्थाएं सारी चाहिए हैं विश्व स्तरीय। हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जॉब के लिए भेजेंगे यूएसए या यूरोपियन कंट्री, लेकिन हम नेता चाहते हैं जाति के आधार पर। जब तक हम इस सोच से बाहर नहीं आएंगे तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने इस दिशा में प्रयास तो किया है कि जहां पर जो वोटिंग जाति के आधार पर होती थी अब वो विकास की बात करता है और विभिन्न प्रकार की जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं उसकी चर्चा तो जरूर करता है, लेकिन जो हमारा एक इलाइट क्लास है वो भी जागरूक हुआ है लेकिन वोट डालने से क्यों कतरा रहा है या वोट डालने क्यों नहीं जा रहा है, इस पर मैं भी मनन कर रहा हूं लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं। आगे आप पर भी चर्चा कर लेते हैं। जनरली कठिन बिंदुओं पर लोग चर्चा नहीं करना चाहते। हमें एक्चुअली इस्लाम या मुसलमान से जो अल्पसंख्यक है उनसे उतना खतरा नहीं लगता है। उनकी थोड़ी बहुत मांग या दर्द है तो गलत, ये देश उनका था, उन्होंने राज किया, मगर उचित नहीं है क्योंकि हजारों वर्षों तक तो डीएनए भी हम सबका एक था। तो हम तो यस दोनों सर, करने की बात करते हैं, हम अलग अलग करने की बात ही नहीं करते हैं, विघटन की बात ही नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं आप भी जियो और श्रेष्ठ को जीने दो। जब श्रेष्ठता की बात आती है सर, तो सबसे बड़ी पंगा जो है वो सनातनियों के बीच में आ जाता है कि वहां भी तो 100 जातियां हैं और हर आदमी अपने कोटे पे लगा हुआ, लूटपाट करने में लगा हुआ है कि किस तरह से। अब इतना गंदा स्लोगन है, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। दर्दनाक है सर भाई, जनसंख्या के हिसाब से एजुकेशन दी जा सकती है। अच्छी एजुकेशन लीजिए अगर आप गरीब हैं, गवर्नमेंट और ज्यादा दे। अच्छी हेल्थ स्कीम लीजिए आप, मगर सत्ता में भागीदारी हो
या डिसीजन मेकिंग में भागीदारी हो, वो तो योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। कौन रोकता है, कौन ये इसमें मानने सर मैंने नहीं है सर कि छोटी जाति के लोग योग्य नहीं होते। मोदी जी ने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी। इसी तरह से तमाम जो निचले तबके से आए व्यक्ति होते हैं वो आउटस्टैंडिंग काम करते हैं। सर मैं जब छोटा था तो मैं सोचता था ये देश में क्रांति नीचे से ऊपर आएगी, ऊपर से नीचे नहीं आएगी, क्योंकि अमीर आदमियों को तो चिकनी चुपड़ी रोटी खानी होती है, वो अपनी डाइट कम भी कर दें कम नहीं हो सकती, मगर जो चार रोटी सूखी खाता है वो दो रोटी खा के भी ईमानदार रह सकता है। तो मेरा मानना यह है कि पोटेंशियल जो है, चाहे आदिवासी हो, चाहे शुरू कास्ट हो, चाहे शुरू ट्राइब हैं, उनमें है, उसको जागृत करने की जरूरत है। दिक्कत ही इस बात की हो रही है कि जो पिछड़ा समाज जो अपने को कहता है, आदिवासी समाज जो कहता है, उनका नेतृत्व ही गलत हाथों में है। अब नेतृत्व का वो फॉलो भी करते हैं, आपने जैसे कहा कि भाई नेताजी हमारी कम्युनिटी के जो कह देंगे उसी को हम वोट देंगे। तो ये जागरूकता जब निचले तबके में आएगी और जब वो गलत नेता को, भ्रष्टाचारी नेता को सहन नहीं कर पाएंगे, तब तो असली क्रांति हो सकती। इस बारे में सर बताएं, कुछ निर्भीकता से बताएं। ये तो एक नासूर है देश का कि इतनी जाति में सर बांटने मैं का आरक्षण बढ़ता जा रहा है और आरक्षण के नाम पर हमारे आरक्षित साथी नाराज हो जाते हैं, जबकि उनका लिविंग सर वेज हम सबसे बेहतर है। साथ साथ नौकरी में आए, उनको 10 साल पहले प्रमोशन मिल गया, हम 20 साल बाद पा रहे हैं, तब भी उनके दुख कम नहीं होते। तो ये अत्याचार है, वो भी समझ में नहीं आता। वो एक्चुअली खुद शोषण करना चाहते हैं, समाज का शोषण हो, उन्हें अपने जो गरीब भाई बहन या जाति वाले हैं उससे मतलब नहीं है। वो तो सोचते हैं कि अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। जब आरक्षित लोगों में ईमानदारी के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, मैं अपने आरक्षित साथियों से सर हमेशा ये पूछता हूँ कि अपनी जाति में जो लोग कोटे से प्रमोशन पाते हैं उनका इंटीग्रिटी मीटर देखिए आप, और जो अनारक्षित से जाते हैं उनका इंटीग्रिटी मीटर देखिए, तो स्पष्ट दिखाई दे जाएगा कि कौन देश के लिए ज्यादा वफादार हो सकता है। इस पर ध्यान नहीं देते, मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, धमकाने की मोदी जी को भी कोशिश की जाती है कि अगर आपने हमारा कोटा पूरा नहीं किया, हमारे नेता की बात नहीं मानी, तो हम तो आपकी गवर्नमेंट पलट देंगे। तो सनातनी तो टूटा हुआ है, सनातनी तो असली 25% भी नहीं है सर। जब सनातनी असली 25% भी नहीं है और 50% तो आरक्षित वर्ग है, वो तो हमारे जिनको दर्द है कि भाई ये भारत हमारा है, जो इस्लाम के मानने वाले हैं, जो अपना डीएनए भी हमसे नहीं मिलाना चाहते हैं, 50% सनातनी उनके साथ अगर हैं, तो भाई बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। हमारा तो कत्लेआम सर होना ही है, कैसे बचेंगे। इस बारे में सर टिप्पणी करिए कुछ। देखिए सर, मेरा ये अपना मत है कि हमारे समाज को बहुत ही नियोजित तरीके से बांटा गया है। जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब हमारा देश स्वतंत्र होगा तो हम लोग डेमोक्रेसी के लायक नहीं है, हमको उस साल तक डिक्टेटरशिप में रहना होगा, तब हमको इस स्वतंत्रता का मूल्य समझ में आएगा। लेकिन नेताजी का चला जाना, पूरे पटल से गायब हो जाना, ये अपने आप में एक आश्चर्य का विषय था कि कैसे वो गायब हो गए और आज भी उनकी डेथ मिस्ट्री बनी हुई है। ये हर व्यक्ति को, जो संसार की जो डिफरेंट
रेसिस हैं या जो शासक हैं उनको सबको मालूम है कि इस देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जिस दिन इस देश में टैलेंट का सम्मान होने लगेगा उस दिन देश स्वतः ही विश्वगुरु हो जाएगा। और उसी नीति को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने समाज को विभिन्न माध्यमों से पूरी तरीके से तोड़ा है। अब जैसे अभी एक मुद्दा आरक्षण का आया, जिन बाबा साहब अंबेडकर की हम रोज बात करते हैं उन्होंने तो केवल 10 साल के लिए आरक्षण की बात की थी। आप उस मुद्दे को क्यों भूल जाते हैं? फिर दूसरी बात, जब ये लोग कहते हैं कि जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर मान लीजिए किसी ने ये कहना शुरू कर दिया जिस जिसका जितना टैक्स उसका उतने पे उतना खर्च, तब क्या होगा इस देश का? और जो समाज का जो अपने आप को पिछड़ा वर्ग कहता है वो इस देश का सबसे बड़ा जमींदार है। अगर कल कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अब जरा जनगणना जातिवार ये भी हो जाए किस जाति वालों के पास कितनी खेती है कितनी जमीन है, तब क्या होगा देश का? और एक जनगणना अब ये भी हो जाए किस जाति वालों के पास कितने असलाह के लाइसेंस हैं, जी तब क्या होगा इस देश में? हम सारे वो काम कर रहे हैं जिसमें देश विघटन की ओर जाए। Shut up!